उत्तराखंड के चंपावत जिले में हर साल लगने वाला आस्था का प्रतीक पूर्णागिरी मेले की रौनक कोरोना के बाद एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एसएसपी ने पूर्णागिरी मेले को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए जायजा लिया तथा अपनी सुरक्षा सुझाव दिए। गौरतलब है कि इस साल कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के चंपावत जिले का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा, जिसको लेकर शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शासन ने इस बार मेले को एक महीने चलाने की अनुमति दे दी है। एसएसपी ने बताया है कि पूर्णागिरी मेले को लेकर हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है, तो वहीं श्रद्धालुओं की एंट्री और कोविड 19 के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी इस पर गहनता के साथ चर्चा की गई। पूर्णागिरी मेला है, उस मेले के लिए पहले हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। उसके जो भी हमारी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा चुका है, किस प्रकार से श्रद्धालुओं का यहाँ पर एंट्री होगी, उनका कोविड के मद्देनजर किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।